बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान में झोला छाप डॉक्टरों का जमावड़ा। सरकार के नाक के नीचे आम जनता की जान से झोला छाप डॉक्टर खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान का ये हाल है तो पूरे बिहार में झोला छाप डॉक्टरों का अवैध कारोबार किस तरह से चल रहा होगा आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और कार्रवाई ना होने से इन अवैध क्लिनिकों का कारोबार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है। सिवान के मैरवा में अवैध मेडिकल क्लिनिक पर एसडीएम की अगुवाई में आज छापेमारी की गई। झोला छाप डॉक्टरों का मरीजों का कोई परवाह नहीं रहता है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब रहता है, चाहे उनकी इलाज से कोई मरीज की क्यों ना जान चली जाए। सिवान जिला प्रशासन ने एसडीएम की अगुवाई में मैरवा बाजार में स्थित निजी क्लिनिक मां दुर्गा चिकित्सालय पर छापेमारी की और अवैध मेडिकल क्लिनिक का भंडाफोड़ किया। इस दौरान टीम को मां दुर्गा चिकित्सालय में कई खामियां भी नजर आई। नियमों को ताक पर रख कर मरीजों का लंबे समय से इलाज किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से किए जा रहे सर्जरी एवं अन्य इलाजों का भी खुलासा हुआ। छापेमारी के बाद मां दुर्गा चिकित्सालय को सील कर दिया गया। पूछताछ के लिए क्लिनिक के 6 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है। सिवान के एसडीएम ने बताया कि यह क्लिनिक अनऑथराइज रूप से चलाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर आज कार्रवाई की गई है। बिहार सिवान से रिपोर्टर राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। मिली थी कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो अनऑथराइज्ड रूप से सर्जरी करते हैं। उसके अलावा भी चूंकि ये शायद आयुर्वेद के हैं, बीएमएस, तो इसीलिए उसमें हम लोगों को सूचना मिली थी, इसीलिए हम लोगों ने छापामारी किया है। और हम लोगों को जो भी चीज़ मिला है यहाँ पे, ओटी वगैरह मिला है, मरीज थे लोगों को हम लोगों ने पीएचसी में ट्रांसफर कर दिया है और इसको सील कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन में जो बात आएगी वो सर आप लोगों को पता चले। डॉक्टर नहीं मिले? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं। गिरफ्तारी की नहीं? गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ले गए हैं। कितने लोग? 4 या 5 हैं। ऑपरेशन में ऑपरेशन में 4 लोग थे वहाँ पर। 4 लोग और भी सब जो डॉक्टर ऐसे हैं उन पर क्या कर रहे हैं? कौन डॉक्टर ऐसे और भी बहुत सारे डॉक्टर और सब हाँ ये मुहिम चलता रहेगा और हम लोग इसको आगे भी जारी रखेंगे। पूर्व में भी डॉक्टर साहब 4 जगह बीमारी हुई लेकिन असल पूर्व पर कार्रवाई नहीं होगी, इसमें भी कार्रवाई होगी। आप लोग देखेंगे जो भी नियमानुसार होगा वही। सर कुछ दिन पहले विंध्याचल एक हॉस्पिटल है वहाँ भी आगे से बंद है और लेकिन पीछे से काम होता है, सील कर दिया गया फिर भी काम होता है। नहीं, चूँकि अभी आप बता रहे हैं तो हम लोग इसको देखते हैं। सर विभागीय मिली भगत से काम होता है वो हम आगे सील होता है, काम होता है, काम होता है तो उसको देख लेंगे, तभी तो उसको आपसे बताइए। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।